तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है आरएस के सीट कवर हम चेंज करने वाले हैं। तो बहुत दिनों से सीट कवर चेंज करने के लिए सोच रहा था, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज थोड़ा टाइम मिल गया है। तो आज जाके आरएस का सीट कवर को चेंज कराऊँगा। तो अभी तो टाइम हो रहा है 6 PM। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे घर से, तो जाके हमारे यहाँ पे एक सोनाहाट मार्केट पड़ता है, वहाँ पे जाके हम आरएस का सीट कवर चेंज कराएंगे। हम पहले वहाँ पे गए थे एक दिन और सीट कवर चूज़ करके आए हैं। तो चलो चलो गाइस, अभी आरएस को लेके निकलते हैं यहाँ से। तो ये देखो, मेरा सीट कवर का हालत पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो भैया अभी सीट को खोल रहा है और खोल के अभी तो सीट कवर को चेंज करेगा। तो पहले पीछे वाला सीट खोल रहा है, तो सामने वाला भी फट गया है पूरी तरह से सीट, आप देख सकते हो। ये देखो पूरा का पूरा एकदम यहाँ पे जो पानी वगैरह होता है ना, अगर तो सीट के ऊपर पड़ता है तो मेरा पैंट भीग जाता था। वो वहाँ पे जो फट गया है, अंदर तक जल चला जाता था। तो अभी ये दो स्क्रू को निकाल लेगा भैया। तो इसके बाद अभी ये जो सीट कवर है पहला वाला फ्रंट वाला, वो निकल आएगा। अभी ये जो पीछे वाला का ये जो सिल्वर कलर का ये सीढ़ी आई है गाड़ी का, और ये देखो ये मेरा बैटरी निकल के आ गया है, अब देख सकते हो। मैं एमरॉन का बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। पहले तो एक साइड में गाड़ी का स्टॉक में एक साइड खुला था, मैं माने गोड़ाटा की कर दे, गोड़ाटा ये कर दे। কোনটা ভালো হবে বলো? খুলে দিলে ভালো হবে, তাই তো? কতদিন যাবে ওরকম? ভালো যাবে, কাপড়টা হেভি কাপড়, এই যা কাপড় এই কাপড় একই কাপড়, সেম কাপড় আছে। এটা 3 বছর। तो भैया अभी बोल रहा है कि ये जो सीट कवर के ऊपर का जो पुराना जो सीट कवर है उसको निकाल के नया वाला इसके ऊपर फिटिंग नहीं करके सिर्फ इसको पूरी तरीके से खोल के नया वाला सीट कवर डालेगा। तो उससे सीट का फिनिशिंग भी बहुत अच्छा होगा। तो मैंने बोला कर दो।
स्पॉन्ज के ऊपर भी थोड़ा सा डार्क हो गया है, ये मेरा फ्रंट सीट है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो इस स्पॉन्ज के ऊपर भी सीट फट गया था, उसका थोड़ा सा दाग आ गया है एकदम बाइक है। तो आप देख सकते हो मोटरब्लॉक स्पॉन्ज पूरा से है। और ये रहा मेरा पीछे का कवर, ये देखो एकदम पूरा उंगली आ जा रहा है, एकदम पूरी तरह से छेद हो गया है, देख सकते हो बहुत हार्ड हो गया है कवर। तो भैया इसलिए बोला कि इस कवर को निकाल दो, नहीं तो सीट भी इसके ऊपर अगर कवर लगाओगे तो सीट हार्ड हो जाएगा। तो ये देखो ये फ्रंट सीट का भी कवर आप देख सकते हो सेम एक। और ये वाला जो कवर ओरिजिनल में आता है एकदम स्टॉक में जैसा आता है वैसा ही यही कवर है, आप लोग देख सकते हो। We'll be right back.
देख सकते हो पीछे वाला सीट पूरा तैयार हो गया है, एकदम नया जैसा लुक था ऐसे ही आ गया है। तो आप देखो एकदम पूरा का पूरा ओरिजिनल वाला फिनिशिंग आ गया है। आप मटेरियल को अच्छी तरीके से देख सकते हो, एकदम पूरा एकदम ओरिजिनल की तरह लग रहा है। तो मेरा सीट थोड़ा सा ढीला हो गया था, तो भैया ने एक जुगाड़ करके चीप वगैरह दे रहा है। तो पीछे का सीट थोड़ा ढीला होने के बाद ऐसा साइड साइड हो रहा था, तो भैया ने थोड़ा सा चीप देके उसको सॉल्व कर रहा है। तो आप लोगों का भी अगर सीट थोड़ा सा हिलता है, पीछे का सीट थोड़ा सा लूज हो जाता है, तो आप लोग भी थोड़ा सा कागज़ वगैरह काट के सीट के जो क्लिप रहता है वहाँ पे देख के आप थोड़ा टाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एकदम सीट कवर पूरा कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो। और ये है भैया का शॉप, यहाँ पे आप आके आपका सीट कवर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे फोर व्हीलर का भी सीट कवर चेंज करता है भैया, और यहाँ पे जो चेयर वगैरह होता है उसका भी कवर चेंज करता है, और बाइक का भी होता है। यहाँ पे कवर ऑल कवर अवेलेबल है, आप लोग आ सकते हो आके। यहाँ पे भैया का नंबर दिया हुआ है पोस्टर पे, आप लोग फ़ोन करके आ सकते हो। ये हमारा यहाँ पे सोराहाट मार्केट में पड़ता है।